इसमें रामी असल कैसे है आप सब अलहमदुल्ला ठीक हूँ और होप फी आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे खुशराबाद रखे शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा जी ये मैं ना इस टाइम जो है ना चिकन को मैरिनेट करने के लिए ना मसाले वगैरह निकाल रही हूँ मैंने आज ना चिकन फिली निकाली है तकरीबन कह लें कि एक के जी के करीब होगी बच्चों ने ना आज बर्गर खाने की फरमाइश की खासतौर पर सैफ का फोन आया था दोपहर तो मैंने कुछ और बनाया था वो अब मैंने उठा दिया है उसकी ये फरमाइश थी कि मामा जी मैंने आना है तो आज ना आप बर्गर बना लें तो उसके लिए फिर ये मसाले जो हैं ये मैं मिक्स कर रही हूँ तकरीबन सारे मसाले जितने भी घर में पड़े मसाले हैं ना सारे इसमें जाते हैं मजाक कर रही हूँ इसमें वैसे तकरीबन सारे मसाले जाते हैं तीनों किस्म की लाल मिर्च मैंने डाली है कुटी भी, भी क्रश भी कश्मीरी भी और काली मिर्च भी डाली है इसके अलावा लहसुन पाउडर डाला है अदरक पाउडर डाला है ये चिली फ्लेक्स सॉरी ये जो है पापिका पाउडर मैंने डाला है इसके अलावा पुनकुटा वजीरा धनिया का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर डालना है और इसके अलावा इसमें सोया सॉस जाएगी सिरका जाएगा चिली सॉस जाएगी माशाला से देखें कितने सारे मसाले हैं तकरीबन सारे मसाले जितने हैं। मुझे तो लगता है जो फ्रिज में भी सारे मसाले हैं वो भी है। और जो आपके वैसे थ्रोकन मसाले हैं ना वो भी सारे के सारे इसमें जाते हैं तभी तो ये मजे का और सही स्पाइसी और टेंडर सा बनता है ना ये वाला चिकन फिली जो मैं बनाती हूँ बर्गर के अंदर बच्चों को इसका बहुत मजा आता है हमारे घर में ये पिछले कह लें कि दो तीन महीने से तकरीबन कह लें कि हर दूसरे वीक बन ही जाता है काफी क्वान्टिटी में मैं बनाती हूँ लेकिन फिर भी माशाला से सारा खत्म हो जाता है इस तरह से ना इसको मैंने मसाला लगा के तो थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट देने

मेरे हाफ मैदा ले रहे हैं लेकिन मैंने आज हाँ सारे का सारा ही मैदा लिया है अच्छा जी एक दफ़ा मैंने डायरेक्टली इसकी कोटिंग करनी है पहले चिकन के साथ और फिर बाद में इसको ठंडे पानी में मैंने डिप करना है कोटिंग की भी जो होगी ना आ, और उसके बाद फिर से दोबारा इसी मैदे में मैंने इसको डालना है तो एक तरह से कह रहे हैं कि डबल कोटिंग हो जाएगी इस तरह से मैंने तीनों चीज़ें वाइज साथ रख ली थी पहले मैंने इसको मैदे की कोटिंग करनी है चिकन को फिर मैंने पानी के अंदर डालना है फिर पानी से दोबारा फिर मैदे में के अंदर डालना है और फिर अच्छी तरह से हाथों से ना मसल मसल के इसको मैंने रेडी करना है और क्रम्स से जो जैसे वो ब्रेड क्रम्स टाइप नहीं उस तरह से ये बन जाएंगे और इस तरह से मैं पहले रेडी करके रख लूँगी फिर बाद मैंने इसे फ्राई करना है तो ये प्रोसेस जो है ना इससे एक तो मैदा इसके ऊपर जो टिक भी जाता है और दूसरा ये कि बड़े अच्छे क्रंची से इसके ऊपर ना वो एक लेर सी आ जाती है बच्चों को इसका बड़ा मजा आता है आ, कुछ लोग हैं जो एक्स्ट्रा वगैरह कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी क्रश करके लगा लेते हैं लेकिन अगर मैदे की सिंपल आप इस तरह से भी करें ना मसल मसल के हाथों से और इसको बाद में अच्छी तरह से मैंने एक तरह से कह रहे हैं कि हाथों में लेके मुठकी सी बना के इसको अच्छी तरह से मसला था और ऊपर वो बड़े मजे के बन जाते हैं क्रम से काम तो ये थोड़ा ज्यादा ही है और मैसी सा काम भी है लेकिन ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा इनका आता है तो इस तरह से मैं पहले सारे रेडी कर लूंगी फिर बाद में इसको मैंने फ्राई कर लेना है अच्छा कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बच्चे भी मेरे साथ लग जाते हैं हैं ना हेल्प करवा देते किसी ने कुछ कर लिया किसी ने कुछ कर लिया इवन इसके साथ अब मैंने ये जो बर्गर बनाने हैं इनके साथ वगैरह भी काटना होता है तो फिर मेरा काम इतना कोई खास नहीं होता लेकिन आज मैं अकेली लगी हुई थी किचन में सारे बच्चे आजकल बच्चों के सभी के तकरीबन हर तरफ ही ऐसे पेपर्स हो रहे हैं सबके और असद का भी एक तरह से कह लें कि क्लास है उसके भी एग्जाम चल रहे हैं टेस्ट वगैरा हो रहे हैं इस अभी इसने है लिखनी है सेंट्रल प्रूफ इसकी होनी है तो इनको मैं थोड़ा फ्री किया हुआ है लेकिन वीकेंड पे अक्सर फिर भी कभी कभार तो हाथ चढ़ी जाते हैं लेकिन आज कोई भी नहीं था मेरे साथ तो ये इस तरह से मैं आराम से लगी रही हूँ बड़ा आराम से ये काम था और जो सेलेड वगैरह था वो भी मैंने साथ साथ काट लिया था और बर्गर जो है ये सम्मी को मैंने भेजा हुआ है किन्जा को लेने गया था तो आते हुए वापसी पे ना उसने मैंने कहा था कि बर्गर लेता है तो, तो ये देखें जी तकरीबन मैंने सारी तकरीबन रेडी कर लिए थे और अब मैं फ्राई करने लगी हूँ तो मीडियम सी ए, फ्लेम पे आपने रखना है कुकिंग ऑयल लेकिन थोड़ा सा गर्म ही गर्म ही होना चाहिए पहले मैंने अच्छी तरह से ये गर्म हो गया था तेल फिर उसको मैंने थोड़ा सा हल्का कर दिया था मेरा ये पैन जो है ना इसके साथ अगर बहुत गर्म तेल हो तो जो भी मैं डालती हूँ वो चिपक जाते हैं तो इस तरह से ना फिर मुझे इसे एडजस्ट करना पड़ता है तो ये देखें इस टाइम इन्होंने फ्राई हो जाना है अच्छा इसको बार बार हिलाना जुलाना नहीं है जो जो कोटिंग मैंने लगाई हुई है ना पहले एक तरफ से आप लोगों ने अच्छी तरह से पाँच सात मिनट किया इससे थोड़े ज़्यादा ही टाइम ले लें Uh, साइडें जब अच्छी तरह से ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी ना फिर इसको कोल्ड करना है वरना अगर इंसान पहले चेंज करता रहे तो फिर वो कोटिंग जो है ना वो उतर जाती है और सही जैसे क्रंची या क्रिस्पी चिकन बनता है फिर वैसा नहीं बनता तो आराम सकून से आप इसको छोड़ दें और पकने दें और जब आपको कोई और काम करने वाला है किचन में पता है औरतों के तो काम ख़त्म ही नहीं होते हैं हाउस ब्राउन के तो इतनी देर बंदा और कोई कर ले और फिर इसको खुद ही जब साइडें ब्राउन हो जाए तो फिर इसको चेंज करना है तो तभी ये बड़ा अच्छा मज़े का क्रिस्पी बनता है और इसकी जो कोटिंग जो हम लोगों ने इतनी मेहनत की है ना वो फिर हिलती जुलती नहीं है वो सही फिक्स हो जाती है इसके ऊपर तो इस तरह से ये देखें एक पू मेरा निकल गया है अब ये दूसरा मैंने डाल देना है अगर मुझे लगे कि कुकिंग ऑयल थोड़ा कम हो रहा है तो थोड़ा सा साथ साथ और डालती जाऊंगी वरना वैसे मैं एहतियात ही करती हूँ क्योंकि इसके अंदर ब्रेड क्रम्स वगैरह काफ़ी मिक्स हो जाते हैं बाद में ये तेल ज़्या करना है तो कोशिश मेरी यही होती है कि जितना मैंने डाला है ना उसी में ये सारा फ्राई भी हो जाए और फिर बाद में इसको पैन को मैं ना यानी मुझे तेल बचे ना और मुझे इसको संभालना ना पड़े इसलिए मैं पूरा पूरा से ही डालती हूँ तो ये देखें इस टाइम मैं साथ साथ तो खा भी रही थी चख भी रही थी और बच्चों को भी टे, टेस्ट करवा रही थी सही मज़े के बनते हैं खास तौर पर ये जो चिली सॉस है ना इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है ये मैं पता नहीं कहाँ से लेके आई तुर्की तो कहाँ से किसी से लेके आई हुई वैसे ज़्यादातर मेरे पास सही तीखी सी है चिली सॉस और सही इसका जायका है बड़ी मजे का इसका ना मिर्चों का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जायका है खट्टी खट्टी भी है और थोड़ी शार्प भी है बहुत तिखी है साथ ही हमारा जो डिश वॉशर है उसने भी पीप करना शुरू कर दिया था ये भी फैटिश है अब इस, इसको भी मैंने जो है इसके बर्तन वगैरह निकाल लेने हरिकाल्स वगैरह में रख लूँगी बर्गर भी आगे हुए हैं इनको भी मैं ऐसे बटर लगा के दोनों साइडों से सेक के बच्चों को देती हूँ सेलेड भी बना के मैंने रख लिया हुआ है अच्छा इसके साथ एक सॉस भी मैं बनाती हूँ बनाते हुए तो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया लेकिन रेडीमेड भी सॉस पड़ी हुई थी लेकिन बच्चों को ना उसका इतना जायका नहीं अच्छा लगता जितना मैं जो खुद बनाती हूँ ना वो मैंने तकरीबन कह लें कि आप दो दो चम्मच का मैंने रखा हुआ है साहब ले लें केचप कैचअप ले लें ले, हाइस की मैं लेती हूँ मायो ले लें जो भी है अवेलेबल वो और इसके अलावा इसके अंदर चिली सॉस डाई जाएगी तो ये वाली सॉस बर्गर सॉस हम लोग खुद घर में बनाते हैं बहुत मजे की बनती है जो रेडीमेड बाजार की आती है ना उससे बच्चों को मेरे जो अपने घर की बनी हुई है ना वो ज्यादा पसंद है तो माशाल्लाह से सब ने खाना खा लिया था हमारे घर में है कि इस तरह की कोई चीज बने ना बर्गर वगैरह या कोई इस तरह की पोमस वगैरह तो बच्चे में मुझे कई दफ़ा ऐसे लगते हैं इनका पेट ही नहीं भरने को आता माशाल्लाह से अल्लाह तआला नजर नजरेबाद से बचाए लेकिन मैं वाकई बर्गर जो है तीन तीन चार चार तो इनके लिए कोई बात ही नहीं है ना माशाल्लाह से बढ़ती हुई एज है इनकी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे ही ऐसे बाय द वे बात कर रही हूँ कि ये खाना जो है ये है ये ज़्यादा खाया जाता रोटी सालन की तरफ बच्चे इतना ध्यान नहीं देते हैं या चावल वगैरह भी हो वो इतना नहीं अट्रैक्टिव नहीं करता इस तरह के खाने जो है ना बच्चे माशाला से फिर से इजा टो के खाते हैं बल्कि किसी एक के अरहम के तो दिल में ये भी होता है कि सुबह के लिए भी भाज जाए तो मैं सुबह भी यही खाऊँ ये हैं जी, जी कपड़े मेरी एक व्यूवर ने मुझे लिखा था कि आपने दिखाए नहीं है तो ये मुझे ये था कि अब मैं क्या एक्स्ट्रा इसे खोलूं जब सैफ आएगा जब उसने पहन के देखनी है तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं गई भी थी ना एक आउटलेट सेंटर पे तो उधर से ये जो मैं कपड़े लेके आई थी ये वो मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ सैफ के लिए मैं चीज़ें लेके आई थी हेम ये जो है इसको आजकल इसका दिल कर रहा है ज़्यादातर ये ना शर्ट्स पहनता है कॉलर वाली कफ कॉलर वाली जो शर्टें होती है ना हेम उन्हें कहते हैं हेम्प्ट वो पहनता है मुख्तु कलर की वाइट में ज़्यादा लेके आई थी बच्चे मेरे सभी बच्चों को ना वैसे इनके पापा भी ज़्यादातर वाइट पहनना पसंद करते हैं मेरे बच्चों को भी वाइट बहुत पसंद है तो ज़्यादा वाइट लेके आई थी लेकिन ये जो एक दो बुंड भी थी वो भी और ये प्लोवा मुझे सैफ के लिए बहुत अच्छा लगा था ये मैंने मुस्तंग से लिया था ये बहुत मुझे प्यारा लगा कलर बड़े नाइस से कलर रहे हैं तो ये जेंट्स के कलर लेकिन माशाला से सैफ का शुमार भी अब बड़े लड़कों में होता है तो ये इसके लिए जिपर लेके आई थी स्किन से कलर का एक ये जो ब्लैक है अभी आप देखेंगे ये फ्लीस जैकेट है ये मैंने जैकन जॉन से ली है ये भी ज़बरदस्त है ना ये जो इबागंस जैके कह लें इसे मौसम जब चेंज हो रहा हो सर्दियों से गर्मियों गर्मियों से सर्दियों की तरफ आ रहे हो ना तो ये इतनी को मोटे वाली नहीं है अच्छी है जैकेट तो और वेटर फेस्ट भी है ना पीछे पैराशूट सा है और साइडों पर फ्लीस लगी हुई है शर्ट लाई थी ये टी शर्ट है वाइट शर्टों शेर्ट के नीचे पहनने के लिए वाइट टी शर्ट्स भी मैं लेके आई थी ये ब्लू वाली जो है ये भी विंटर है थोड़ा मोटे कपड़े में है सर्दियों वाली ये शर्ट है तो ये सारी चीज़ें थी इसकी पेंट्स वगैरह जो हैं ये बच्चे ऑनलाइन ही ज़्यादातर मंगवाते हैं वैश्क़ा से मंगवा लेंगे या आ, आसोस से मेरा हल मंगवाते हैं ज़्यादातर या बैशक से और शर्ट्स वगैरह का ये था कि मैं खुद जा कर के देख के लेके आऊँ इस टाइम ये अनप्रोबियन करके पहन के देख रहा है सारी चीज़ें इसे माशाल्लाह सारी बहुत प्यारी लगी हैं और इसे पसंद भी आई हैं कुछ शर्ट्स साफ का ख़्याल है कि उसको थोड़ी एंक है ये वाली जैसे सुबाइश पील ये वाली जो है मैं एस साइज़ में ले आई थी आ, लेकिन कह रहा है कि नहीं ये मैं मामा जी ये मैं पहन तो लूंगा लेकिन मुझे इसकी शक्ल से लग रहा है कि इसने कोई नहीं को खास पहननी ये फिर समी पहनेगा या असद को आ जाएंगी तो बस फिर ये थी आज की वीडियो होपफुली आप लोगों ने इसे इन्जॉय किया होगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और इसे कंप्लीट वॉच किया करें नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दे दें इजाज़त अल्लाह हाफिज़